तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल दिग गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मी भर्ती परीक्षा 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि दोस्तों इसमें टोटल मार्क्स कितना होता है, क्वेश्चन कितने होते हैं और टाइमिंग कितना दिया जाता है हमें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डिफेंस से रिलेटेड नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा लिखा हुआ है आर्मी भर्ती परीक्षा 2020 सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र। दोस्तों इसमें जो हमारा क्वेश्चन की संख्या होती है वो 30 होती है और हमें इसमें 30 मिनट का समय दिया जाता है, यानी आधे घंटे का समय दिया जाता है और इसका टोटल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। तो दोस्तों हर एक प्रश्न एक नंबर का है और हर एक प्रश्न के पीछे हमें एक मिनट का समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो है वो सबसे अधिक कोयले उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो रूस है वो विश्व में सबसे प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है। यहाँ पे हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चीन। विश्व में हमारा प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चाइना है। यहाँ पे हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एलेरा के गुफा मंदिर संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। हमारा जो एलेरा का गुफा मतलब गुफा मंदिर है वो हिंदू धर्म से संबंधित है और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित है। यहाँ पे हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते होंगे, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए देवदत्त, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ तब गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। यहाँ पे हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत। हमारा जो भारत देश है वो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। यहाँ पे हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी सोलापुर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर हमारा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमारा नवा नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते होंगे, विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, इसका जर्मनी सही आंसर हो जाएगा। विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे उत्पादक देश हमारा जर्मनी है। ऑप्शन नंबर 10, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देख सकते हैं, भारत में प्रथम भारतीय मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1913 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 1913 ईस्वी में हमारा जो भारत का प्रथम मौन फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, वो हमारा 1913 में रिलीज हुआ था। यहाँ पे हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम हमारा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रंगीन फिल्म कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कन्हैया, ऑप्शन नंबर सी सीता विवाह, ऑप्शन नंबर डी सती सुलोचना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कन्हैया। यहाँ पे हमारा दोस्तों पूछ रहा है भारत की प्रथम रंगीन फिल्म, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण कन्हैया ऑप्शन। यहाँ पे हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती
नौ देवी, ऑप्शन नंबर बी बी एम रमा देवी, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर डी प्रिया हिमुरानी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जी दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृता कौर। यहाँ पे हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी अंजुमा चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी अमित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पूनम यादव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। जी दोस्तों मिताली राज हमारा 20वें में प्रथम महिला दोहरा शतक लगाने वाली क्रिकेटर बनी हुई है। यहाँ पे हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी हमारी मदर टेरेसा। यहाँ पे हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2:1, 2:2, ऑप्शन नंबर बी 2:3, ऑप्शन नंबर सी 3:2, ऑप्शन नंबर डी 1:2। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:2। दोस्तों यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा था हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। यहाँ पे हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी दोस्तों मुंबई में हमारा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड स्थित का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पे हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, 18वां नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं भारत में कितने राज्य मार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 115, ऑप्शन नंबर सी 195, ऑप्शन नंबर डी 228। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 228। हमारा जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है वो की संख्या 228 है, यानी NH की संख्या, नेशनल हाईवे की संख्या 228 है। यहाँ पे हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मेट्रो शहर भारत का प्रथम वाईफाई सक्षम शहर बन गया? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। दिया दोस्तों हमारा जो मेट्रो शहर है वो प्रथम सक्षम वाईफाई वाला देश बना था कोलकाता। यहाँ पे हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 मई को, ऑप्शन नंबर बी 28 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी 1 मई को, ऑप्शन नंबर सी 1 मई को, ऑप्शन नंबर डी 30 अप्रैल को। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 मई को। जी दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1997 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1961 ईस्वी में हमारा अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है कनाडा का राष्ट्र खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी आइस हॉकी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आइस हॉकी। जी दोस्तों कनाडा का हमारा जो राष्ट्र खेल है वो आइस हॉकी है। यहाँ पे हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए वर्षा, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। दोस्तों हमारा यूरोप का जो मरीज है हम तुर्की को कहते हैं। यहाँ पे हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्वेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सामवेद। जी दोस्तों हमारा जो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है उसे सामवेद को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए बोधगया, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। जी दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ पे हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। जी दोस्तों करो या मरो का नारा हमारा महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? ऑप्शन नंबर ए
वर्ष 1916 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1917 में, ऑप्शन नंबर डी 1915 में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1918 में। यहाँ दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1915 में। हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका 1915 ईस्वी में शामिल हुआ था। यहाँ पे हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। यहाँ पे हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1557 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1761 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 1526 में हमारी पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी। यहाँ पे हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेंटारस, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी शनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। जी हाँ दोस्तों, हमारा सूर्य है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। तो दोस्तों